हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम नैना। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर ऑन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी व्हिच इज़ वन काइंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक प्रकार है। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी का दो पार्ट होता है, पहला ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी 6th century BC में स्टार्ट होती है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट्स फ्रॉम 6th century BC and covers the ideas of large number of Greeks, Romans, Christians, thinkers and philosophers. Yani, traditional political theory 6th century BC के दौरान शुरू होती है और Greek, Roman, Christian, thinkers और philosophers के बहुत सारे ideas को cover करती है। हमारा दूसरा point है, Plato, Aristotle were the two great giants of classical periods who had enormous influence in their own times and later thinking. Plato or Aristotle, ये दोनों को हम great philosophers के तौर पर जानते हैं। इन दोनों को traditional period यानी कि classical period का दो बहुत बड़ा giants कहा गया है, दो बहुत बड़े शख्स जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है अपने समय के दौरान और आज भी, यानी कि लेटर थिंकिंग में आज की जो हमारी सोच है वो भी, आज की जो हमारी सोच है उसका भी देन हम इन दोनों को मान सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स फर्स्ट पॉलिटिक्स, सेकंड थ्योरी, थर्ड प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब हम कहेंगे टू पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर्स एंड थ्योरी रेफर टू द सिस्टमैटिक नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड फिलॉसफी रेफर्स टू द क्वेस्ट फॉर रिलायबल नॉलेज विच वुड इनेबल मैन टू बिकम वाइजर इन द कंडक्ट ऑफ कलेक्टिव लाइफ। मैं एक एक करके आपको पॉलिटिक्स, थ्योरी, प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी का मतलब बताती हूँ कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में इन तीनों का क्या रोल है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज़ों पर बेस्ड है, तो ये तीन चीज़ें बहुत ही मस्ट है। यहाँ पे पॉलिटिक्स, थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी यानी कि फिलॉसफी को सेपरेटली एक एडिशनल पॉइंट में मैंने डाला है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है पब्लिक अफेयर से रिलेटेड जितने भी सारे काम होते हैं उस पर पार्टिसिपेशन करना। थ्योरी जो है उसका मतलब एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है, कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड, जो कंसेप्ट स्पेशली किससे रिलेटेड हो, स्टेट से। और ये सिस्टमैटिक नॉलेज कैसे बिल्डअप होगा, ऑब्जर्वेशंस के जरिए। फिलॉसफी रेफर्स टू द क्वेस्ट फॉर रिलायबल नॉलेज विच वुड इनेबल मैन टू बिकम वाइजर। फिलॉसफी जो है वो क्यूरियोसिटी है सही नॉलेज को गेन करने के लिए, जो कि एक मैन को बहुत ही ज़्यादा वाइज बनाती है, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल बनाती है, कलेक्टिव लाइफ को, हमारे लाइफ के सारे वर्क्स को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए। अगर हम सम अप करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, तो हम बहुत ही कम लाइनों में और बहुत ही सटीक मीनिंग जान सकते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू एक्वायर रिलायबल नॉलेज अबाउट द मैटर्स कंसर्निंग पब्लिक अफेयर्स। इसका मतलब हुआ
पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है रिलायबल नॉलेज को गेन करने के लिए, सही नॉलेज को गेन करने के लिए सिस्टमैटिक तरीका है जिसके जरिए हम जो लोगों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी हमें जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में हम लोग को डिस्क्रिप्शन देती है और साथ में इवैल्यूएट करने के लिए मदद करती है कि उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसका मीनिंग जानना उतना ही ज़रूरी है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।